देश में भारतीय रेल यातायात का सबसे सस्ता और सुगम साधन है, जो कि हर रोज करोड़ों यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाता है। लेकिन रेलवे के लोको पायलट अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन रेल प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसी के चलते ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने AILRSA केंद्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर जयपुर मंडल की प्रत्येक क्रू लॉबी पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और रेल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही साथ पायलट व सहायक पायलट ने काली पट्टी बांधकर रोष जताया। हमारी मांग है कि टोल किट को बंद किया जाए और जो स्पार्ट केस में बिन रेलवे का नुकसान नहीं होता है लेकिन फिर भी हमारे को रिमूव कर दिया जाता है। रेलवे का एक रुपए का नुकसान नहीं होता है और फिर भी हम पूरी सर्विस अच्छी ईमानदारी से और अच्छे एकाग्र रूप से परिवार को छोड़कर नौकरी करते हैं, लेकिन हमारे को एक छोटी सी गलती की वजह से रिमूव कर दिया जाता है। तीसरी हमारी मांग है कि हमारे को जो रेस्ट दिया जाता है वो अन्य सर्विसों में 42 घंटे का रेस्ट दिया जाता है, 42 से 46 घंटे का रेस्ट दिया जाता है, हमारे को 30 घंटे में उसमें भी बीच में ही दे रेस्ट छोड़ दिया जाता है और 15-15, 10-10 दिन तक हमारे को कोई रेस्ट नहीं दिया जाता, जबकि हम लगातार नाइट में ड्यूटी करते रहते हैं। जब स्पेयर जाते हैं तो हमारी कोई सीट की व्यवस्था नहीं रहती, हम गलियों में बैठ के जाते हैं। ये हमारी मुख्य प्रदर्शन है। आज जो प्रदर्शन है, आज पीए का जो निर्धारण हुआ है वो 6-7 महीने पहले हो चुका है, लेकिन हमारे किलोमीटर का अभी तक निर्धारण नहीं हुआ है। इसलिए इसी मुद्दे पर आज ये विरोध जता रहे हैं। हमारी डिमांडे हैं, हमारी 4 डिमांडे हैं। हमारी किलोमीटर का रेट फिक्स नहीं कर रही भारत सरकार, और हमारे जो ड्यूटी आवर्स हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इतने ज्यादा डिप्रेशन में काम करते हैं, 9-9, 10-10, 12-12 घंटे लोको पायलट काम कर रहा है, और उसके बाद अधिकारी अपने चैम्बर में बुला करके उनको बाहर खड़ा करके प्रताड़ित किया जाता है, जबकि रेलवे बोर्ड CRB ने ये कहा है अभी ड्राइवर से 9 घंटे मैक्सिमम काम लिया जा सकता है, ज्यादा से गाड़ी डेस्टिनेशन तक पहुंचाई जाए तो मैक्सिमम 11 घंटे तक या तो रिटर्न टू हेडक्वार्टर या अगले रनिंग रूम में क्रू को पहुंचाया जाए। दूसरी, हमारी स्पेयर क्रू लेके जाते हैं, जैसे कोई स्टेबल लोड उठाना होता है तो चेकिंग स्टाफ की फिक्स कर दी गई है सीटें, और दूसरा GRP RPF की सीटें फिक्स कर दी गई है, लेकिन हमारे रनिंग स्टाफ कहीं जर्नल कोच में पढ़ के जा रहा है, कहीं SLR में बैठ के जा रहा है, कभी किसी पैसेंजर से झगड़ा हो जाता है, कई हाल से ऐसे हुए हैं कि कंडक्टर ने GRP वालों को हैंड ओवर कर दिया हमारे लोको पायलट को, हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है। तो ये हमारी मांग है, और मैं सभी भाइयों का आज जो हमारे ऑल इंडिया लेवल के ऊपर जो ये एजिटेशन हो रहा है ये सक्रिय है, और ये भारत सरकार तक ये हमारी आवाज पहुंचे।